आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग 7। दिल्ली में आज लेजेंड्स ऑफ इंडिया एक दिन की संगीत समारोह बैठक का आयोजन कर रहा है। इस समारोह की शुरुआत मशहूर सरोद वादक पंडित राजीव तारानाथ के सरोद वादन से होगी। उनको संगीत की शिक्षा उनके पिता पंडित तारानाथ ने दी है। बचपन से संगीत सीख रहे पंडित तारानाथ ने हैदराबाद के एक कॉलेज में अंग्रेजी भी पढ़ाई और यही उनकी मुलाकात पंडित रविशंकर से हुई। उन्होंने 80 के दशक में अपनी जिंदगी का एक अहम निर्णय लिया और पढ़ना छोड़ दिया। उनके इस निर्णय में पंडित रविशंकर का काफी प्रभाव था और पंडित तारानाथ ने दक्षिण की कुछ फिल्मों के लिए भी संगीत दिया है और आज वो खुद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए मिलते हैं उनसे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुड मॉर्निंग 7 में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके पिता खुद इतने बड़े संगीतकार रहे, उनसे आपने संगीत सीखा है, तो कहीं बचपन में आप आगे चलकर सरोद वादन को बढ़ाना चाहते थे? बचपन की बात नहीं थी, पिताजी के पास गाना सीखा, तबला सीखा और गाता था। चाइल्ड प्रोडिजी समझा जाता था, स्लाइटली ऑकवर्ड। तो उसके बाद जब आवाज बदल गई, जैसे बदल जाती है, तो गाना छोड़ दिया और यूनिवर्सिटी में जो और तालिबीन करता है तो वही करता था। पढ़ रहा था अंग्रेजी ऑनर्स उस वक्त, पहली मरतबा बेंगलोर आए उस्ताद अली अकबर खान साहब पंडित रविशंकर जी के साथ आए जुगलबंदी के लिए। पंडित जी, यही आपसे जानना चाह रहे थे हम कि आपने इन दो बड़े नामों का जिक्र किया तो मैहर घराने से आपका ताल्लुक हुआ, बाबा अलाउद्दीन खान साहब का ये घराना है, उस्ताद अली अकबर खान से आपने तालीम लिया, तो आज लेजेंड्स ऑफ इंडिया में आप परफॉर्म करने वाले हैं, तो चाहेंगे कि कुछ मैहर घराने की खासियत, सुबह का माहौल है, सुबह का ये मौसम है, तो हम चाहेंगे कि कुछ हो जाए सरोद पर। ये राग जो है बाबा अलाउद्दीन खान साहब का राग है, थोड़ा सा बजाऊं। प्रभाकरी इसका नाम है, बाबा अलाउद्दीन खान साहब ने इसका आविष्कार। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज ये जो इतना तनाव फैला हुआ है, विराज के वक्त की हम बात करें, तो आपको क्या लगता है भारतीय शास्त्रीय संगीत जो है कितना कम करता है इस तनाव को, अगर हम आज के समय की बात करें? संगीत तो न सिर्फ भारतीय संगीत, दुनिया में कहीं हो, संगीत एक संस्कृति की वो सृष्टि है तनाव को कम करने के लिए। हर सांस्कृतिक जनांग ने एक संगीत को बनाया, फन को बनाया, कला को बनाया, और इस तरह से जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अगर अब दिल्ली में जो तनाव है, किसी ने रिजाइन कर दिया या बंबई में महामारी है, इससे संगीत से इलाज होता है, ये शायद संशयास्पद है। अच्छा पंडित जी, आप ये बताएं कि अभी आपने रिपोर्ट में देखा मुंबई ने बहुत कुछ सहा है, बारिश का कहर वहाँ पर था और अब महामारी फैली हुई है, उन पर मलहम लगाना तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये मानेंगे कि संगीत राहत तो देता है ज़रूर? राहत ज़रूर, तो चाहेंगे कि कुछ अगर आप उस माहौल को समझते हुए यहाँ पर हमारे लिए कोशिश करें। जी ज़रूर कोशिश। भैरवी वो राग है, सब बीमारियों का मरहम है, सदाबहार राग भी कहते हैं, सदाबहार, उसमें जिस चीज को आप ढूंढेंगे वो मिल जाए, वो बात है।
समंदर को रत्नाकर कहते हैं, सिंध भैरवी को रत्नाकर कहनी चाहिए। Thank you.